हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन। ये DHFL का एनुअल रिपोर्ट मैंने ओपन करके रखा है। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इसमें से जो मुझे लगे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक ओवरव्यू अंडरस्टैंडिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगा मेरा। तो ये DHFL ने 2017-18 में जो अपडेट किए थे उनके परफॉर्मेंस वो यहाँ पे दिए हुए। 1,00,000 करोड़ का उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट क्रॉस हो गया था 2017-18 में। 15% से ऊपर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो था। 8,700 करोड़ तक इनका नेटवर्थ रीच हो गया था। उसके बाद यहाँ पे स्नैपशॉट एक दिया हुआ है इनके ओवरऑल वर्किंग का। तो ये बेसिकली कंपनी जो है हाउसिंग और नॉन हाउसिंग लोन्स देती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। हाउसिंग लोन्स में नए घर लेने के लिए घर का मरम्मत या फिर घर में इम्प्रूवमेंट या फिर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स रहते हैं उनको फंडिंग करते हैं। और नॉन हाउसिंग में जो मॉर्गेज बैक्ड लोन्स होते हैं, SME लोन्स होते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी के जो लोन्स होते हैं, तो उसको ये लोग लोन देते हैं। उसके बाद फंड रेजिंग के लिए DHFL फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं। इनके वर्किंग के कंपटीशन के एडवांटेज यहाँ पे दिए, जैसे कि इंडस्ट्री नॉलेज, पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे इंडिया में इनका स्प्रेड है। उसके बाद इनके टैलेंटेड लोग हैं। उसके बाद रोबस्ट बिजनेस प्रोसेस है, जो डिजिटाइजेशन इन्होंने प्रोसेस शुरू किया है वो सब उनके प्लस पॉइंट है। खास करके ये पॉइंट नोट करने जैसा है कि इनका पूरा फोकस जो है वो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में, ये Tier 1 सिटीज़ में ज़्यादा फोकस नहीं करते, जिसके वजह से इनको स्प्रेड होने में इजी जाता है और वो उनका प्लस पॉइंट है। यहाँ पे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स का लेटर दिया हुआ है हेड्स का। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट कंसिडर करने जैसा ये है कि यहाँ पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दिए। इनका जो ग्रॉस रेवेन्यू है बिजनेस से 2012-13 में लगभग 4,000 करोड़ था, जो कि कंटिन्यू बढ़ता हुआ अभी 10,000 करोड़ की रेंज में चला गया। अर्निंग पर शेयर मोस्टली 40-50 रुपीज़ के रेंज में फ्लैट है। उसके बाद नेट प्रॉफिट भी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। 450 करोड़ था 5 साल पहले, अभी लगभग 1,000 करोड़ के ऊपर चला गया है। और क्यूम्युलेटिव लोन जो इन्होंने डिसबर्स किए वो पहले 50,000 करोड़ के रेंज में थे, जो कि अभी 1,50,000 करोड़ से भी ऊपर चले गए हैं। यहाँ पे 10 साल का फाइनेंशियल हाइलाइट्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो कंटिन्यू कैसे ग्रोथ हुआ है वो नंबर वाइज आप देख सकते हैं। पहले 9,000 करोड़ क्यूमुलेटिव डिसबर्समेंट था 2008-09 में, वो कंटिन्यू बढ़ते बढ़ते अभी 1,76,000 करोड़ के ऊपर चला गया है। और यहाँ पे की फाइनेंशियल हाइलाइट्स दिए, बुक वैल्यू कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। उसके बाद अर्निंग पर शेयर मोस्टली ग्रोविंग है, मगर इतने भी ज़्यादा एक्सट्रीम फास्ट नहीं है। ओके, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट दी हुई है। इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जैसे कि LIC में काम कर चुके हैं, बैंक्स के हेड हैं, SEBI के कुछ कोई हेड रह चुका है, ऐसे अलग अलग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेड रह चुके हैं। ये मैंने कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन किए हैं। इनके जो CMD हैं वो हैं मिस्टर कपिल वाधवन और उनके भाई मिस्टर धीरज वाधवन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो इन्होंने 2009 में कंपनी की कमान संभाली थी। उसके बाद इन्होंने बहुत अलग अलग फील्ड में कंपनी का एक्सपांशन किया है और बहुत सारे ब्रांचेस भी ओपन किए। उसके बाद नेक्स्ट जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर हर्षिल मेहता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिस्टर GP कोहली और मिस्टर विजय कुमार चोपड़ा, मिस्टर मन्निल वेणुगोपालन, मिस विजया संपत। इन सबको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है अलग अलग फील्ड में काम करने का। उसके बाद यहाँ पे मैनेजमेंट डिस्कशन में कुछ पॉइंट्स इन्होंने डिस्कस किए, जैसे कि स्ट्रेंथ्स पहले बताएं कि जो मार्केट में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ का कंट्रीब्यूशन था पहले 37% लोन जो भी डिसबर्सल होता था वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज से होता था, DHFL जैसी, जो कि अभी 41% तक 2018-19 तक प्रोजेक्टेड है, जो बढ़ने वाला है। और बैंक का थोड़ा सा 3-4% कम हो जाएगा, तो ये यहाँ पे स्कोप एक्सप्रेस कर रहे हैं। और बाकी जो इंटरनेशनल इश्यूज़ थे 2017-18 में, जैसे कि चाइना अमेरिका ट्रेड वॉर, इंटरनेशनल ग्रोथ साइक्लेबिलिटी, वो सब इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। और इंडियन फिनेंशियल पैरामीटर्स भी डिस्कस किए, जैसे कि रेरा का इम्प्लीमेंटेशन, GST का इम्प्लीमेंटेशन, जिसके वजह से कंपनी को थोड़ा सा हर्डल फील हुआ था, क्योंकि हाउसिंग का जो डेवलपमेंट था वो रेरा के वजह से थोड़ा सा स्टॉल हो गया था, तो वो भी अभी इन लाइन होने लगा है।
ओवरऑल उसके वजह से हेल्प ही हुआ है। तो यहाँ पे कुछ NBFCs के HFCs के प्लस पॉइंट यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किए। जैसे कि इनको प्लस पॉइंट होता है कि ये प्रोजेक्ट्स को डिटेल में फंडिंग कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स को बैकवर्ड फॉरवर्ड इनके लिंकेजेस होते हैं, स्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कर सकते हैं, जिसके वजह से इनको बैंक्स के ऊपर एज मिलता है। यहाँ पे ग्रोथ रेट का एक चार्ट दिया हुआ है जो कि 18 से 20% का प्रोजेक्शन दिखाया हुआ है आने वाले टाइम में इनके ग्रोथ के लिए। ओके, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं और कुछ प्लस पॉइंट इन्होंने बोले कि गवर्नमेंट के जो पुश हैं, जैसे कि स्कीम्स हैं, स्लम डेवलपमेंट, टैक्स इंसेंटिव्स घर लेने के लिए प्रिंसिपल पे लोन पे, उसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स को जो सैंक्शन मिलता है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिल रही है, उसके बाद अर्बनाइजेशन जो हो रहा है उसके वजह से बहुत सारे लोग हाउसिंग लोन लेने के लिए रेडी हैं, तो वो एक इनको प्लस पॉइंट है। दूसरा, सेबी ने और RBI ने इनको बहुत सारे फैसिलिटीज़ दिए लोन रेज करने के लिए, लॉन्ग टर्म बोरोविंग का, और इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए डेट म्यूचुअल फंड को भी अलाउड किया है कुछ एक्सटेंड तक। तो ऐसे अलग अलग इनिशिएटिव्स इन्होंने मेंशन किए, यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। फाइनेंशियल पेनिट्रेशन को रूरल एरिया में बहुत स्कोप है जहाँ की ये कंपनी बहुत एक्टिव है। उसके बाद ये जो पेज है इसके ऊपर की थ्रेट्स और चैलेंजेस डिस्कस किए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला तो है कि जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन है वो प्रॉपरली जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं होते वो। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रास्ते, पानी वगैरह, बिजली, जो हाउसिंग के लिए हेल्प करते हैं, बूस्ट करते हैं, तो उनका फास्ट डेवलप होना ज़रूरी है। और कम जो लोअर इनकम ग्रुप के घर हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो वो डिस्पैरिटी क्रिएट करता है प्राइस में। और जो इनको लैंड एक्विजिशन वगैरह में इशू आता है उसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा उनको हेल्प मिलता नहीं है। कंपटीशन बढ़ने के वजह से NPS का एडिशन हो रहा है सिस्टम के अंदर HFCs के फील्ड में। उसके बाद यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स को जो मैंने पहले बताया, यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो पूरा समराइज़ किया हुआ है इनके जो स्ट्रेंथ्स हैं अलग अलग जो ये काम करते हैं। ओके, तो SME फंडिंग में भी है कंपनी, डिपॉजिट्स रेज करती है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि इनके NPS भी अच्छे खासे 1% से बिलो है। हालांकि बहुत कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा है कंपनी से रिलेटेड, मगर मैं उसको साइड में रखते हुए कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है, जो कैसे वर्किंग कर रही है, और उसका प्लस पॉइंट्स डिस्कस करने की, प्लस माइनस पॉइंट्स डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो इनका जो बोरोइंग कंपोजिशन है, मतलब जहाँ से ये पैसे लेते हैं, रेज करते हैं बैंक से, जैसे कि 43% बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, डेब्ट मार्केट से इन्होंने 40% उठाए हैं, तो पब्लिक डिपॉजिट से 11% और रीफाइनेंसिंग फ्रॉम NHB नेशनल हाउसिंग बैंक से, और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो कि सेबी ने और RBI ने इनको अभी अलाउ किया है, तो वहाँ से 3% बढ़ाए। तो इनको अगर पैसे रेज करने इजी जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर इनका जो लोन डिसबर्सल है वो इजी हो जाता है, और उसमें उनको ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ होती है। तो जैसे जैसे कमर्शियल मार्केट स्ट्रांग होता जाएगा और इनको लो कॉस्ट पे लॉन्ग टर्म के लोन मिलते जाएंगे, तो ये कंपनी DHFL के DHFL या फिर जैसे ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए प्लस पॉइंट होता जाएगा। तो वो सब इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। और इनका जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो लगभग 50% के करीब है ऑपरेटिंग चार्जेस के। ओके, और यहाँ पे कुछ एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट में कुछ चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बेसिक चीज़ें बताई, इनका ऑफिस कहाँ पे है, इनके सब्सिडरीज कौन से हैं, जैसे कि इन्होंने रिसेंटली जो फोरे किया है जनरल इंश्योरेंस में जॉइंट वेंचर किया है, लाइफ इंश्योरेंस में जॉइंट वेंचर किया है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड में किया है, वो सब दिया हुआ है। और 39% जो होल्डिंग है वो कॉरपोरेट बॉडीज के थ्रू है, जिसके वाधवन जो कंपनी के CMD है वही हेड है। तो ओवरऑल इनकी वाधवन के पास 37-39% के रेंज में होल्डिंग है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 9% की है ये कंपनी में, ये 2017-18 का डेटा है, तो मोस्टली इसमें चेंजेस नहीं आए, मैंने चेक किया हुआ है। उसके बाद 51% में 19% फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है और 7% इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स है। तो 7% में झुनझुन वाला जी का भी नाम इसमें लिखा हुआ है। ओके, और बाकी डिटेल्स, टॉप 10 शेयर होल्डर्स और बहुत सारे जो छोटी छोटी डिटेल्स है वो यहाँ पे दिए। एक्चुअली इतने कम टाइम में कुछ बेसिक पॉइंट्स ही कवर हो सकते हैं, तो जो मेन पॉइंट्स है वो कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसके इंडेप्टेडनेस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते क्योंकि ये बेसिकली लोन के बिजनेस में ही ऑपरेट करती है।
ओके इनके की रेम्यूनरेशन का रेशियो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इनके जो हेड है उनको अच्छा खासा रेम्यूनरेशन मिल रहा है। लगभग जो हेड हैं, एक सैम्पल में बता देता हूँ, जैसे कि 3,74,00,000 मिस्टर हर्षिल मेहता, उसके बाद 2,32,91,000 मिस्टर कपिल वाधवन जो कि हेड है, और बाकी लोगों की भी सैलरी यहाँ पे मेंशन की है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें इनके रिपोर्ट में दी गई है। तो एक छोटा सा ओवरव्यू एनुअल रिपोर्ट का मैंने इस वीडियो के थ्रू लेने की कोशिश की गई। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं बाकी कंपनीज़ के भी ऐसे एनुअल रिपोर्ट के ओवरव्यू या फिर एक छोटा सा एनालिसिस और स्टडी करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग शेयर मार्केट फ्रेंड।